नमस्कार, लर्निंग मंत्रा के दैनिक मंथन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक मिश्र। आज बातें मजदूर दिवस की। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मजदूर हमारे समाज का वो हिस्सा है जिस पर समस्त आर्थिक उन्नति टिकी हुई है। वर्तमान समय के मशीनी युग में भी उनका महत्व कम नहीं हुआ है। उद्योग, व्यापार, कृषि, भवन निर्माण, पुल एवं सड़कों का निर्माण आदि समस्त क्रियाकलापों में मजदूरों के श्रम का योगदान महत्वपूर्ण होता है। मजदूर अपना श्रम बेचकर न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करता है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ को बढ़ावा देने के लिए मजदूर दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे उन मजदूर यूनियनों की हड़ताल है जो कि 8 घंटे से ज़्यादा काम न कराने के लिए की गई थी। इस दिन कई देशों में राष्ट्रीय अवकाश होता है। अमेरिका में सितंबर महीने के पहले सोमवार को मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1860 के दशक में कार्यस्थल पर मजदूरों को चोट लगना या उनकी मृत्यु होना आम बात थी। इसलिए ऐसी दुर्घटनाओं और काम करने के घंटों को कम करने के लिए आवाज़ उठाई गई। मजदूरों और समाजवादियों के बहुत सारे प्रयासों के बाद मजदूरों की अमेरिकन संघ के द्वारा साल 1884 में शिकागो के राष्ट्रीय सम्मेलन में मजदूरों के लिए काम के लिए वैधानिक समय के रूप में 8 घंटे निर्धारित किया गया। 1 मई 1886 से अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत की गई। अमेरिका के मजदूरों ने 8 घंटे को कम करने के लिए हड़ताल की थी। इसी हड़ताल के दौरान शिकागो के हेयर मार्केट में बम धमाका हुआ जिसके कारण पुलिस ने मजदूरों पर गोली चला दी और कुछ मजदूर मारे गए। उस समय अमेरिका पर इन घटनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन बाद में 8 घंटे काम करने के समय को निश्चित कर दिया गया। भारत की बात करें तो भारत में मजदूर दिवस पहली बार 1 मई 1923 को चेन्नई में मनाया गया। इसकी शुरुआत लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के नेता कॉमरेड सिंगरावेलू चट्टियार ने किया था। उस वक्त इसे मद्रास दिवस के तौर पर प्रमाणित किया गया। सिंगरावेलू चट्टियार की अध्यक्षता में मद्रास हाई कोर्ट के सामने एक बड़ा प्रदर्शन किया गया और यह संकल्प लिया गया कि ये मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। इसके बाद से ही भारत में एक संकल्प के पास करके यह सहमति बनाई गई कि इस दिवस को भारत में श्रमिक दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। देश के मजदूर और मजदूर दिवस के अवसर पर अगर कुछ विद्वानों के मत को जाना जाए तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा, किसी कारोबार को ऐसे देश में जारी रहने का अधिकार नहीं है जो अपने श्रमिकों को जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक मजदूरी से भी कम मजदूरी पर काम करवाता है। जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक मजदूरी से मेरा मतलब सम्मानपूर्वक जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक मजदूरी से है। वहीं मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा, इंसानियत के ऊपर उठाने वाले सभी श्रमिकों की अपनी प्रतिष्ठा और महत्व है, इसलिए श्रम साध्य उत्कृष्टता के साथ किया जाना चाहिए। अब्राहम लिंकन ने कहा, अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि वह अमेरिका से प्यार करता है फिर भी मजदूर से नफरत करता है तो वो झूठ बोल रहा है। अगर कोई कहे कि वो अमेरिका पर भरोसा करता है फिर भी मजदूर से डरता है तो वह एक बेवकूफ है। वहीं एडम स्मिथ ने कहा कि दुनिया की सारी संपदा को वास्तव में सोने या चांदी से नहीं बल्कि मजदूरी के द्वारा खरीदा जा सकता है। और अब आइए बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन यानी ILO एक एजेंसी है जो संयुक्त राष्ट्र में उपस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक मुद्दों को देखने के लिए स्थापित किया गया। पूरे 193 सदस्य राज्य के इनमें तकरीबन 185 सदस्य हैं। विभिन्न वर्गों के बीच में शांति प्रचारित करने के लिए, मजदूरों के मुद्दों को देखने के लिए, राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए, उन्हें तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए साल 1969 में इसे नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। मजदूर वर्ग के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन की सभी शिकायतों को देखने का काम
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का होता है। इसके पास त्रिकोणीय संचालन संरचना है, अर्थात सरकार, नियोक्ता और मजदूर का प्रतिनिधित्व करना, सरकारी अंगों और सामाजिक सहयोगियों के बीच मुक्त और खुली चर्चा उत्पन्न करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक कार्यालय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन सचिवालय काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन स्वीकार करना या कार्यक्रम आयोजित करना, मुख्य निदेशक को चुनना, मजदूरों के मामलों के बारे में सदस्य राज्य के साथ व्यवहार, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक कार्यालय कार्यवाही की जिम्मेदारी के साथ ही जांच कमीशन की नियुक्ति के बारे में योजना बनाने या फैसले लेने के लिए इसके संचालक संस्था को अधिकार होता है। इसके पास तकरीबन 28 सरकारी प्रतिनिधि हैं, 14 नियोक्ता प्रतिनिधि और 14 श्रमिकों के प्रतिनिधि हैं। आम नीतियां बनाने के लिए, कार्यक्रम की योजना और बजट निर्धारित करने के लिए जून के महीने में जेनेवा में वार्षिक आधार पर ये एक अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक सभा आयोजित करता है। और अब अंत में मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ का वो गीत याद करते हैं जिसमें उन्होंने कहा था, हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। आज के इस दैनिक मंथन कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।